हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाला हूँ वाटरमेलन पल्प शेक। ये एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने दो लोगों के लिए बनाया है, तो मैंने बस 1/4 हिस्सा यानी कि आधे का आधा तरबूज लिया है। तो सबसे पहले तरबूज को अच्छी तरह काट दीजिए और इस तरह से देखिए छोटे छोटे पीसेस में काटिए, डाइस के शेप में, और बीज निकाल दीजिए। पूरा बीज निकालना तो बहुत मुश्किल है, तो अगर पूरा बीज ना भी निकले तो आप घबराइए मत, क्योंकि तरबूज के बीज कड़वा नहीं होते। तो अगर एक दो बीज रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप बीज अच्छी तरह से निकाल दें। तो इस तरह छोटे छोटे पीसेस में डाइस कर दीजिए बीज निकालने के बाद। अच्छा, तरबूज का वेस्ट हिस्सा फेंकिएगा मत, उससे हम बहुत ही टेस्टी टूटी फूटी बना सकते हैं, जिसका रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप ज़रूर देखिए। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद मैंने इसे निकाल दिया और अब मैं इसे ब्लेंड करूँगा। अब मैं इसमें मिलाऊँगा 1 ग्लास दूध। 2 लोगों के लिए बनाया है मैंने, तो मैंने इसमें मिला है 1 ग्लास दूध और 1 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क इसे थिक और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर देगा, जो कि हमें चाहिए। अब हम मिलाएंगे 1 चम्मच चीनी। आप चाहे तो चीनी की जगह पर गुड़ या फिर हनी मिलाकर भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए कितना थिक और क्रीमी पल्प शेक बना है। अब इसे हम वाटरमेलन से ही गार्निश करेंगे और चिल्ड पिएंगे। आप चाहे तो इसमें आइस क्रशेस भी डाल सकते हैं।